महत्वपूर्ण है। लेकिन अब अगले सवाल का भी हम रुक कर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है, यूपी से जुड़ा हुआ। और सवाल क्या है अगला जो हम जनता के बीच लेकर गए, और क्या कुछ उस सवाल का जवाब हमें मिला है, वो भी आपको बताएंगे आंकड़ों के जरिए। लेकिन सबसे पहले वो सवाल, यूपी में हार के डर से क्या किसान कानून वापस लिया? क्योंकि ये विपक्षी दल भी लगातार कह रहे थे कि हार का डर है इसीलिए ये फैसला लेना पड़ा है। तो लेकिन जनता क्या कहती है? जनता को लगता है 56% कि हाँ, क्योंकि हार का डर था इसीलिए किसान कानून वापस लिया है सरकार ने। लेकिन नहीं कहने वालों का आंकड़ा 44% का है। 44% को लगता है कि नहीं, हार के डर की वजह से किसान कानून वापस नहीं लिया। लेकिन 56% का ये आंकड़ा देखिए, 56% लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हाँ डर था और इसीलिए ये मजबूरी में फैसला लेना पड़ा। संगीत रागी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, चूंकि आपका सर्वे है इसलिए मैं उस सर्वे पर टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन यदि 44% जनता यदि कहती है तो जो मार्जिन है जो कहता है कि ये हार के डर से है, और जो जनता ये कहती है कि नहीं ये कोई और कारण रहा होगा, उसके बीच का गैप बहुत बड़ा नहीं है। ये 12% का गैप है और मुझे लगता है कि यह भारतीय जनता पार्टी को भी संतोष प्रदान करेगा, क्योंकि यदि उसी अनुसार से वोटों का यदि ट्रांसफ़र हुआ तब भी वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि सबके अपने अपने विश्लेषण रहे हैं कि क्यों प्रधानमंत्री जी ने क्यों जो है वो तीनों कानून, कृषि कानूनों को वापस लिया है। तो मेरा तो यही आकलन। ABP News, आपको रखे आगे।